डब्ल्यू लॉयड के सितारे। सेल्युलॉइड के सितारे। दोस्तों, विविध भारती के इस प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक दीपक बलराज विज। आपसे बातचीत की है सूरज शुक्ला ने। दीपक साहब, आपका विविध भारती स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती के सुनने वालों को मेरा नमस्कार। दीपक जी, आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? मैं ऐसे तो दिल्ली का हूँ, लेकिन आप कह सकते हैं मैं पूरे हिंदुस्तान का हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं बॉम्बे में हूँ, महाराष्ट्र। और दिल्ली में बचपन थोड़ा सा वहाँ निकला, लेकिन पूरी जो लाइफ है, फिल्म मेकर बना, पढ़ा लिखा, सब कुछ बॉम्बे में हुआ। तो आप कह सकते हैं कि मैं ऑल इंडिया लेवल पे सभी जगह का हूँ। लेकिन आपको ये तो बताना पड़ेगा कि बम्बई कब और कैसे आना हुआ? बम्बई मेरे फादर बलराज जी एक काफ़ी बड़े हीरो रह चुके हैं अपने टाइम के। उन्होंने एक फिल्म में काम किया था देवेंद्र गोयल की, वचन, जिसका गाना था चंदा मामा दूर के, बड़ा फेमस हुआ था। वो बाबू बाबू एक पैसा दे दे, वो भी उनका गाना था। और वो बम्बई इंडस्ट्री से कनेक्टेड थे, तो नेचुरली जब फादर यहाँ पर काम करने आए, हीरो थे, तो नेचुरली यहीं शूटिंग होती ज़्यादा करके बॉम्बे में। जी, तो हमारा परिवार भी साथ में, मेरी जो मदर हैं और जो मेरे ब्रदर्स हैं, जब हमारी 10-11 साल की उम्र है, हम भी बॉम्बे यहाँ शिफ्ट हो गए। जी, फिर यहाँ पर आके पढ़ाई लिखाई सब यहीं शुरू हुई। दीपक जी, डायरेक्शन में कैसे आना हुआ आपका? ऐसा, मैं फिल्म में आना नहीं चाहता था, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था। कॉलेज के टाइम पे प्लेस व्लेस कुछ किया करते थे हम लोग, तो एक दिन रलन साहब आए और उन्होंने मुझे प्ले में देखा एज एन एक्टर। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई रोल करना चाहते हो क्या? तो मैं सोचा पॉकेट मनी के लिए हॉबी, साइड हॉबी कुछ कर लेंगे जी, थोड़ा सा काम मतलब करके देख लेते हैं। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने बोला, वो रोल तो आता रहा, बोला यार असिस्टेंट बन जा मेरा थोड़े दिनों के लिए। तो बस उनके साथ ज्वाइन किया मैंने। उन दिनों में असिस्टेंट डायरेक्टर, आजकल लोग थोड़ा सा काम करके अपने को कहलाते हैं, मैं अप्रेंटिस ज्वाइन हुआ जी। और अप्रेंटिस ज्वाइन होने के बाद सब फिर कैमरे के पीछे रहा और कैमरे के पीछे ही रह गया। दीपक साहब, आपकी फिल्मों के गाने बहुत मशहूर रहे हैं, तो उसमें से सबसे पहला गाना हमारे श्रोताओं को आप कौन सा सुनाना चाहेंगे? मैं श्रोताओं को सबसे पहला अपना गाना, एक फिल्म है स्टंटमैन, जिसमें वो जैकी श्रॉफ पे गाना पिक्चराइज किया गया था, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, बेबे देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, बेबे देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, अम्मा देख 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 मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा दे हो बेबे दे, इसके छोटे बाल कटा दे, इसको हिंदी बोल सिखा दे, टीवी वीडियो बंद करा दे, कॉलेज का रास्ता दिखला दे, डिस्को में जाना रुकवा दे, होटल में खाना रुकवा दे, चंगी कुड़ी कोई दिखला दे, जल्दी से शादी करवा दे, अम्मा दे आ दे तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, बेबे दे आ दे तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, अम्मा देख 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 मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा देख 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 मुंडा बिगड़ा जाए, पीत
Baba, beat the dole. Aha, aha, balle, 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 beat the dole. Get your money on the floor, kakda. Hey mom, hey dad, why moan and groan? Why don't you learn to live with the times and just please leave us alone? What kind of a man would spend his life like a jack of all trades, master of none? Boogie, woogie, reggae, rap, raga, rock and roll and bhangra. Amma dekh, amma dekh, 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 dekh. देखे गाना ऊपर नीचे भागे गाना आगे पीछे बीवी जब घर में आएगी इस पे पहरे बिठाएगी बच्चे बच्चे हो जाएंगे इसको रस्ते पे लाएंगे इस पे डाल दे जिम्मेदारी मुश्किल हल होगी तब सारी अम्मा दे आते मेरा मुंडा बिगड़ा जाए पेपे दे आते मेरा मुंडा बिगड़ा जाए अम्मा दे आते मेरा मुंडा बिगड़ा जाए। दीपक साहब, अब अगला सवाल हमारा ये होगा कि आप चूंकि डायरेक्टर हैं जी, प्रोड्यूसर भी हैं जी, तो इतना बड़ा तनाव, प्रोडक्शन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट काम है, उसके साथ साथ डायरेक्शन को आप कैसे साथ लेते हैं, इन दोनों विधाओं को एक साथ? क्या होता है एज ए फिल्म मेकर, जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ या स्क्रिप्ट लिखवाता हूँ, क्योंकि बेसिकली आई एम अ राइटर ऑल्सो, डिस्को डांसर एक फिल्म आई थी जो मैंने लिखी थी, पहले स्क्रिप्ट होती है, उस पर डायलॉग लिखे जाते हैं, फिर कास्टिंग होती है पूरी, और कास्टिंग होने के बाद क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे करेक्ट मालूम होता है कि कौन से लोकेशंस कहाँ शूट करना है, और जो आर्टिस्टों का गेटअप और ये वो सब दिमाग में हर चीज़ रहती है, तो प्रोडक्शन बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि मुझे जो इम्प्लीमेंट करना होता है अपना प्रोग्राम जी, सपोज एक सीन शूट करना है, मुझे मालूम है आर्टिस्ट के ये ड्रेसेस हैं और उसे क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सब कुछ ये मालूम जल्दी पता लग जाता है और फिल्म बजट में बन जाती है। मुझे एज अ प्रोड्यूसर जब मैं डायरेक्ट कर रहा होता ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और उसका प्रोड्यूसर हूँ और या कोई प्रॉब्लम है। अगर एक आदमी प्रोड्यूसर नहीं हो तो उसको डायरेक्टर आके बोलता है साहब एक बंगला चाहिए, पहले बोलता है यार बंगला क्यों चाहिए, बोले वहाँ सीन करना है तो वहाँ पर एक स्विमिंग पूल चाहिए और साथ में बड़े बड़े झाड़ चाहिए और ये चाहिए, तो प्रोड्यूसर बेचारा 10-15 दिन घूमता रहता है जी। लेकिन मेरा क्या है कि एज अ डायरेक्टर जब जैसे कंसेप्ट आता है तो मैं ज़्यादा कई लोकेशंस देखी हुई हैं एंड बिकम्स वेरी इजी फॉर मी, तो मुझे प्रोडक्शन का जो एज अ प्रोड्यूसर जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन डायरेक्शन पे कभी आया नहीं। तो दीपक साहब, आप अपनी पसंद का अगला गीत हमारे श्रोताओं को कौन सा सुनाएंगे? मेरी अगली फिल्म है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ उस गाने को, CID का आंखों ही आंखों में। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में।
आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। दीपक जी, आपकी फिल्में सैलाब, जान तेरे नाम, हफ्ता बंद, बम ब्लास्ट, स्टंटमैन, इनकी लिस्टें देखने के बाद ये लगता है कि आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों की जिम्मेदारी इसमें संभाल ले। आप ये बताइए, क्या इतना आसान है प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक साथ होना? आसान नहीं है साहब, बहुत मुश्किल है। जब मैं इस लाइन में आया, रणन साहब ने मुझे कहा कि कुछ दिन आके देख ले कि लाइटिंग फेसिंग क्या होती है, वो सब एक्टर बनने का चक्कर था जी। वो बना रहे थे जी। तो साहब उन्होंने मुझे फिर पीछे कैमरे के पीछे हो गया, क्लैप मारना, एक्टरों को बुलाना, खैर वो तो चलता रहा। फिर एक दिन सुबह बोले कि यार सुबह से आया करो, मेरी ड्यूटी ऐसे होती थी कि मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था, 7:30 उनके घर पहुंचता था। पहले स्क्रिप्ट सेटिंग होती थी, फिर म्यूजिक सेटिंग होती थी, एक के बाद एक लोग आते जाते रहते थे, मैं उनके पास बैठा रहता था, सब नोट्स बनाता था, जो लोग बोल रहे थे उनके नोट्स बनाता था, दोपहर को 1:30 बजे उनके साथ टेबल बैठ के खाना खाता था, वहाँ से वो मुझे सीधा लेके जाते थे एडिटिंग रूम जहाँ फिल्म कटती है जी। एडिटिंग रूम में बैठकर एडिटर्स के साथ सीखता था, वो लोग लिस्ट बनाते थे क्या शॉट चाहिए क्या नहीं चाहिए। वहाँ पर महालक्ष्मी में उनका ऑफिस हुआ करता था, वहाँ बैठकर जब पूरा स्टाफ चले जाता था जी, तो मैं टेलीफोन ऑपरेटर बन जाता था। फिर मुझे वो नंबर मांगते थे, ये नंबर दे वो नंबर दे जी। मैं वो सब काम करता था साहब, 8:30 बज जाते थे, कभी रात के 11 बज जाते थे, और मैं फिर रात को ट्रेन पकड़कर थर्ड क्लास में जी भीड़ में धक्के खाते हुए घर पहुँचता था, और घर पहुँचने के बाद जब मैं सोता था, सुबह कब होती थी ये नहीं मालूम पड़ता था, पर दूसरे दिन के लिए ऑल ओवर अगेन करना पड़ता था जी। मतलब इस मेहनत और लगन से काम करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट है, और इससे मेरे ख्याल से आदमी कोई भी किसी भी काम में हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, अगर लगन से और मेहनत से काम करेगा तो कामयाबी उससे दूर नहीं रह सकती। मैं साहब एक फिल्म आई थी यहाँ पर शालीमार, उसमें कुछ सिलेक्शन हुई थी, कुछ 250-300 लड़कों में दे वॉन्टेड वन गुड फर्स्ट और चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर जी। तो जो वो सिलेक्शन में मैं गया और मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ, आई वॉज नंबर 1 जी, और मुझे वो फिल्म में जाकर मुझे काम करने का मौका मिला। अब ये सब चीज़ें जो हासिल हैं लाइफ के अंदर, आई फील पर्सनली इट हैज बीन, आई हैव पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। अगर एक आदमी आज किसी को देखता है और कहता है कि यार डायरेक्टर बन गया, प्रोड्यूसर बन गया, ये और वो सब, इट इज़ बहुत एफर्ट्स करने पड़े, बहुत मेहनत का काम है, बहुत कठिन काम है। फिर डायरेक्शन के बाद आपने प्रोडक्शन का काम शुरू किया और आज अपनी बड़ी बड़ी फिल्में आप बना रहे हैं। हम बीच में एक और सवाल करना चाहेंगे, मैंने सुना आपने कोई फिल्म लिखी भी है। जी, मैंने एक फिल्म लिखी थी, एक ही फिल्म लिखी थी, डिस्को डांसर, वो फिल्म काफ़ी चली थी, इनफैक्ट हैदराबाद में 275 वीक्स जी फिल्म चली। क्या हुआ कि जब मैं रणन साहब के साथ काम करता था, तो उन दिनों में मतलब हम एज एन असिस्टेंट बोलिए या अप्रेंटिस बोलिए, हमें कोई काम की शर्म नहीं हुआ करती थी जी। राइटिंग हुआ के तो वहाँ भी घुस गए, म्यूजिक सीटिंग्स हुई तो वहाँ चले गए जी। आर्ट डायरेक्टर अगर आर के स्टूडियो में सेट लग रहा है तो पूरी पूरी रात सेट पे बैठे रहते थे, खिड़कियाँ क्यों लग रही हैं, दरवाजे क्यों लग रहे हैं, सेटिंग के फ्लोरिस के क्या पोजीशन है, कैमरा कहाँ से कहाँ रन लगेगा, कहाँ ट्रॉली चलेगी, कहाँ क्रेन चलेगा, कहाँ ट्रैक चलेगा, साउंड रिकॉर्डिस्ट के वैन में चले गए, उससे पूछा भाई ये साउंड, ये बूम है, ये आजकल जो घंटी बजती है तो लोग क्यों सब साइलेंस हो जाते हैं, साउंड का कैसा है क्या है। उन दिनों में मिचेल कैमरा काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था स्टूडियोज़ के अंदर, तो बाहर की आवाज़ें नहीं आती थी, आजकल तो खैर एरी है, इंडो स्टूडियोज में भी अरी इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब है, मतलब लेखन निर्देशन जी जी जी, बिकॉज क्या है कि निर्माण जी जी जी, क्या है कि सब एक्सपीरियंस लिया आप राइटिंग के अंदर भी, जब रन साहब के पास लोग आया करते थे, जैसे कमल जालाबादी,
जावेद अख्तर और दुनिया भर के आपके राइटर्स, डॉक्टर राय मासूम रजा और काफ़ी राइटर्स जब उनके पास, सलीम फयाज, तो इन सब राइटरों के साथ बैठकर उनसे सीखने का बहुत मिलता था, क्योंकि वो लोग डिस्कशन करते थे, हम असिस्टेंट थे, हमारा कुछ बीच में बोलने का कम ही होता था। लेकिन वैल साहब बाद में मुझे पूछा करते थे कि यार ये जो सीन सुनाया सुबह, तुझे कैसा लग रहा है? तो मैं थोड़ा ढीठ था, मतलब थोड़ा बोल दिया करता था कि सर अंकल मुझे पसंद नहीं आ रहा है। दो तीन चार चपेट भी पड़ी एक दो बार कि यार हमें सिखा रहा है। मैंने कहा फिर आप मुझसे मत पूछिए। बहुत अच्छा लगा आपके इस एकदम तीन विधाओं में इस तरह की महारत हासिल करने की बात को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो मैसेज है हमारे श्रोताओं के लिए कि इतना आसान नहीं है इतने बड़े मुकाम पे पहुंचना। अब आप हमें बताएं कि आपका अगला पसंदीदा गीत कौन सा है। बॉम्बलास का लगा दीजिए, वो लेना है लेना है। लेना है लेना है, लेना है लेना है, लेना है लेना है, ओ दिल तेरा लेना है। डायरेक्टर, समाज के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप? बहुत बनती है साहब, बहुत बनती है। लेकिन होता क्या, कभी कभी सेंसर नहीं छोड़ती है, कभी समाज देखने को तैयार नहीं होती है। समाज को आप जो फीड करेंगे वो समाज फीड मतलब होगी। लेकिन क्या है कि आज जब से ये देश आजाद हुआ है, हम लोग फिल्में खाली लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूलाज की फिल्में बना रहे हैं जी, कि बस जिससे क्या है एक रूटीन स्टाफ है। इसीलिए 10 फिल्मों में से 9.5 फिल्में फ्लॉप होती हैं, फिल्में चलती नहीं जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैं, लेकिन क्या होता है उनको भी, अभी जैसे आप, मैंने फिल्म बनाई डांस पार्टी जी, उसमें नए कलाकार थे सब जी, बहुत बुरी तरह वो फिल्म पिटी, कोई थिएटर में देखने गया नहीं। उसका एक रीज़न ये था कि वो सोचते हैं कि जब उनको हम आपके कौन या शाहरुख खान की या उन लोगों की फिल्में अगर देखने को मिलेंगी तो हम नई स्टार कास्ट की फिल्म देखने क्यों जाएंगे। तो ये सब देखते हुए आज का माहौल एकदम डिफरेंट है। आपकी
अभी जो फिल्म आई थी बम ब्लास्ट, हाँ जी, उसके बारे में कहा जाता है कि वो रिलीज हुई और उसके बाद ही बम ब्लास्ट हुआ। बम्बई की इतनी बड़ी दर्दनाक घटना आपकी फिल्मों से प्रेरणा लेके तो नहीं हुई? नहीं 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 साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ जरूर क्या था कि जिस दिन वो ब्लास्ट हुआ तो मेरा आदमी महालक्ष्मी रैमनॉड लैब है, वहाँ प्रिंट लेने गया। बॉम्ब ब्लास्ट का फर्स्ट प्रिंट निकलने वाला था। फर्स्ट प्रिंट मतलब ये होता है कि लोग पहली बार जो टेक्नीशियंस हैं मिलकर प्रीव्यू थिएटर में पिक्चर देखते हैं और पता लगाते हैं कि कैमरामैन ने अपना सही जॉब किया, रिकॉर्डर्स का सही आवाज़ें आ रही हैं और आर्टिस्टों ने सब परफॉर्मेंस डबिंग वाइज ये सब होती हैं। तो वो जब वो प्रिंट लेके, जो फर्स्ट प्रीव्यू प्रिंट है जो हम थिएटर्स में देखते हैं, वो लेके आ रहा था और वर्ली में ये ब्लास्ट हुआ। बड़ा दुख हुआ। और रात को मेरा ट्रायल था नेचुरली, जब हम थिएटर में पहुंचे ट्रायल के लिए, क्योंकि न्यूज़ अभी तक फैली नहीं थी जी, एक भी आदमी दर्शक से आया नहीं था। तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये जो फिल्म है आपने बॉम्ब ब्लास्ट जो नाम रखा है, ये इसे आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड, उसे इन्फ्लुएंस नहीं रखा है। इनफैक्ट जो बॉम्ब ब्लास्ट फिल्म थी वो प्रो पुलिस पिक्चर थी जी, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको एक हिम्मत देने के लिए। फिल्म का नाम बॉम्ब ब्लास्ट इसलिए था क्योंकि ब्लास्ट के ऊपर ही बेस थी जी, लेकिन बहुत मॉरल्स देती हुई, एक शिक्षा देती हुई, एक बहुत हार्ड हिटिंग फिल्म थी, जो मैंने पेपर कटिंग से पढ़कर कैरेक्टर्स, ट्रू कैरेक्टर्स को उठाकर वो फिल्म बनाई थी और बहुत अप्रिशिएट हुई थी। दीपक साहब, आपकी पत्नी किशोरी शाहने जी जी, जो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी अदाकारा हैं, उनके बारे में आप हमें थोड़ा और बताएं, क्योंकि इन दिनों ये आपकी फिल्म बम ब्लास्ट के बाद उनकी कोई फिल्म हमें देखने को नहीं मिली। उनकी जो भी रचनात्मक प्रतिभा है उसका सही ढंग से आगे ना आने देना कहीं ना कहीं गलत नहीं लगता? अभी तो जहाँ तक आने का, आगे आने का सवाल है, वो तो हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है बॉबी। उन दोनों ने हमको खींच के पीछे रखा हुआ है। अभी स्कूल में जाया, 3 साल का है, और 4-5-6 साल का जब हो जाएगा फिर से काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने अभी से काफ़ी सीरियल्स के पायलट्स वायलट्स किए हैं, और एक उनकी मराठी फिल्म है जिसका मुझे नाम नहीं पता है अभी। वो हाल ही में वो फिल्म कंप्लीट की, अनकम्प्लीट फिल्म थी जी, वो भी रिलीज़ होने वाली है। मेरी फिल्म है इसमें, हफ्ता वसूली में गेस्ट अपीयरेंस किया है, प्लस मुझे प्रोडक्शन में भी हेल्प करती रहती हैं। मैं तो उनको रोज़ बोलता हूँ कि जाके कुछ करो यार काम, वो बोलती नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि किशोरी जी फिर से फिल्म इंडस्ट्री में एज ए हीरोइन काम करेंगी जी, और दीपक साहब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के अंदर, एंड एट द सेम टाइम सीरियल में भी कर रही हैं और शी इज़ क्वाइट एक्टिव। दीपक जी, आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो खुद हीरो से कम नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके मन में भी हीरो बनने की बात रही होगी, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताएं। क्या है कि हीरो जो है आदमी किसी भी फील्ड में बन सकता है। मैं सोचता हूँ कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा हीरो है, और डिफरेंट फील्ड्स के आदमी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे टाटास हुए, वो अपने फील्ड के हीरो हैं। तो हीरो मतलब एक तो होता है कैमरे में, पब्लिक के सामने, स्क्रीन पर जी, और एक होता है अपने आप को वो दिल में, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं जी, दिली भावनाएं, यू नो दैट कॉन्फिडेंस। तो मैं बहुत खुश हूँ कि राम हीरो बिहाइंड द कैमरा। सर, आप सवाल को बचा ले गए, आप यहाँ हीरो बनने आए थे या डायरेक्टर? मेरा सवाल सीधा सीधा ये था। मैं डायरेक्टर बनने आया था, स्टेज पे काम एज एन एक्टर करता था, लेकिन जब रलन साहब ने मुझे अपने पास बुलाकर बोला कि मैं तुझे रोल बाद में दूंगा, पहले जरा लाइटिंग वाइटिंग सीख ले जो मैंने आपको पहले कहा, तो उसके बाद जब लोगों को डायरेक्ट करना इतना मज़ा आता है, इट्स मोर ऑफ डिक्टेटिंग, और एक आप पूरी कंसेप्ट अपना जो आप सोचते हैं, हर डिपार्टमेंट का काम अपने सामने लाकर, जैसे आपने कोरियोग्राफर डांसर को बोला मेरी ये कंसेप्ट है, जो लड़की उदास है और लड़का आके गाना गाएगा उसे मनाएगा, रात का टाइम है और पीछे दूर एक पहाड़ है, वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं और कुछ बंजारे लोग जा रहे हैं, कुछ आग जल रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब ये पूरे कंसेप्ट के पीछे आर्टिस्ट भी इन्वॉल्व है, लाइट्समैन भी इन्वॉल्व हैं, कैमरामैन इन्वॉल्व है, गाने वाला भी इन्वॉल्व है, इतने लोगों का काम, लोगों का, आप एक ऐसा डायरेक्टर जो आपके दिमाग में बात आ रही है, उनको पूरा कंसेप्ट आप जब समझाते हैं और सब लोग अपने अपने फील्ड्स पे काम करके, और जब वो गाना पिक्चराइज होता है, वही होता है, दूर आग चल रही होती है, बंजारे जा रहे, आवाज़ें करते हुए जा रहे होते हैं, झरने, पहाड़ एंड ऑल दिस थिंग्स, यू नो, एटमॉस्फेयर पूरा, और उसके बाद जो आर्टिस्ट हैं वो गा रहे हैं और जो आप चाह रहे हैं, जो आपने ड्रीम किया है,
अब वो जब सामने स्क्रीन पे आता देखते हैं आप, आपको लगता है जो आपने कंसेप्ट जो आपने सोचा था, तो मैं बोलता हूँ उससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती है। तो वो जो चीज़ है मुझे कैमरे के पीछे खींच के ले गई, तब आगे आने का दिल नहीं करता है। मतलब आप डायरेक्टर अपने शौक से बने, मजबूरी में नहीं? नहीं नहीं, नहीं मैं अपने शौक से। अमूमन होता है कि लोग हीरो नहीं बन पाते, नहीं नहीं नहीं, तो कैमरे के पीछे चले जाते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं कैमरे के पीछे हूँ। अभी मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत सी अच्छी फिल्में बनानी हैं। जहाँ तक हफ्ता वसूली का सवाल है, ये फिल्म मैंने इसलिए बनाई कि इसके अंदर एक नेकेड है, एक नेकेड ट्रूथ है जी। जो मैं देखता हूँ, जो मैं रोज पढ़ता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो इस देश के हालात हैं, ये एक फिल्म करंट टॉपिक के ऊपर है। इसके कलाकार हैं जैकी श्रॉफ, आदित्य पंचोली, अयूब खान, सादिका, मधु, लक्ष्मीकांत भिड़े, रोहिणी हथंगड़ी, रमेश भाटकर, आनंद बलराज, गुलशन ग्रोवर, सिद्धार्थ, हरुण बख्शी, यूनस। इसमें इस फिल्म के अंदर एक हीरो जो पहले आया करता था, हेमंत विजय का बहुत जबरदस्त कैरेक्टर उसको दिया है जी, बिहारी जी, धोती कुर्ता पहनकर उसने, और आई थिंक मेरे हिसाब से इतना अच्छा परफॉर्म किया, जिन लोगों ने ट्रायल देखा लगता है उसको फिल्म फेयर अवार्ड ये सब मिल जाना चाहिए इस साल। अब आप अपनी पसंद का अगला गाना हमारे श्रोताओं के सुनवाएं। लेकिन एक गाना याद आ रहा है, बड़ा प्यारा सा है, बॉर्डर का। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूँ तो चलूँ, तो चलूँ तो चलूँ, तो चलूँ तो चलूँ, तो चलूँ तो चलूं, तो चलूं, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, दोस्तों आप सुन रहे हैं
आकाशवाणी के लोकप्रिय चैनल विविद भारती का वो प्रोग्राम जिसका नाम है सेल्युलॉइड के सितारे। और आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक दीपक बलराज विज से सूरज शुक्ला की बातचीत। दीपक जी, आपकी फिल्मों के टाइटल और उनके सब्जेक्ट देख के लगता है कि आप इस देश में जो आज स्थिति है, मसलन करप्शन, लाल फीताशाही, उसके बहुत खिलाफ हैं। आपकी सारी फिल्मों में लगभग उसका सब्जेक्ट इसी के इर्द गिर्द घूमता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये टॉपिक्स आपको कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से आते हैं इतने करंट टॉपिक्स आपके थॉट में? देखिए साहब, सुबह जब आंख खुलती है नींद से, तो सबसे पहले आदमी सोचता है यार पेपर कहाँ गया घर का। सुबह जो पेपर आता है पढ़ने के लिए जी, तो पेपर जैसे हाथ में आता है तो उस पर लिखा जाता है कि भ्रष्ट नेताओं ने ये कर दिया, गवर्नमेंट चले गई, कोई गवर्नमेंट आ गई, ये सब पेपरों के अंदर ही होता है साहब जी। तो ये सब जब पढ़ने के बाद कोशिश करता हूँ कि स्पोर्ट्स पेज पढ़कर ये सब आगे की खबरें भूल जाऊं जी। लेकिन स्पोर्ट्स की भी वहां भी देखा जाए तो ज्यादा करके टीम हार रही होती है किधर ना किधर, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो चाहे वो हॉकी हो। पर जो फिल्में बनाता हूँ उसकी एक जो भावनाएं मेरे पीछे पीछे चलती हैं, तो जब ये सब होने के तो ये इतना इन्फ्लुएंस होता हूँ कि राइटरों को बुला के बोला ये करंट टॉपिक है, आज ये स्थिति और ये है, उसके ऊपर कुछ लिखा जाए। इसलिए ऐसी फिल्में बनाता हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ फिल्म के अंदर, या दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो हो रहा है वो गलत है। क्योंकि आम जो पब्लिक है, आम, वो ये चाहती है कि उनके एक नॉर्मल इनकम हो, उनकी दो टाइम की रोटी बराबर चल जाए, सुख शांति हो, लॉ एंड ऑर्डर बराबर रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, उनके बच्चे बराबर लिख सकें पढ़ सकें। ये सब चीज़ों की सब जो है ज़्यादा मांग नहीं है, ये तो एक नॉर्मल आदमी के लिए एक बड़ी एक मामूली चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर मैं फिल्में बनाकर इनमें ये बोलने की कोशिश करता हूँ जो लोग भ्रष्ट हैं कि ये गलत है। एट द सेम टाइम डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाता, इसको एक कमर्शियल मासिस के लिए फिल्म बनाता हूँ जी, और जिसमें गाने वाने भी होते हैं, नाच गा के बताने की कोशिश करता हूँ कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। दीपक जी, आप जैसे फिल्मकार हैं और पुराने दौर के भी बहुत सारे फिल्मकारों के होते हुए भी, अब क्यों मुगले आजम या मदर इंडिया जैसी फिल्में नहीं बनती, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, जो पहली फिल्में बनती थी, मदर इंडिया, मुगले आजम और अनारकली और बहुत सी फिल्म, पाकिजा, काफ़ी फिल्में देव साहब की भी, राज कपूर, दे ऑल वेरी बिग फिल्म मेकर्स, लेजेंड हैं, वी शांताराम, ये सब इन लोगों की बुनियाद पर ही हम लोग सब खड़े हुए आज। लेकिन उनके जैसी फिल्में क्यों नहीं बना रहे आप? उनकी जैसी फिल्में क्या है कि जनरेशन गैप है, एक टाइम है, बदल गया है। आज जब वो फिल्में बनाते थे उस टाइम पर आपको टीवी पे आप रेडियो प्रोग्राम ज़्यादा सुनते थे जी, कि अगर आपको किसी की, या क्रिकेट भी सुनते थे तो वो रेडियो पे लगे रहते लोगों के कान। आज आप स्क्रीन पे, आपके घर पे वो स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो जनरेशन है दैट इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय MTV, वी चैनल्स, ये सब जो हैं, इतने सारे चैनल्स हैं कि उन लोगों को इन्फ्लुएंस इतना ज़बरदस्त आ गया है कि एक चेंज ऑफ जनरेशन आ गई है। और चेंज ऑफ जनरेशन है वो हमारे जो पुराने लोग फिल्म मेकर्स बनाते थे वो नहीं आज जी। अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड को रखकर फिल्में नहीं बनाएंगे तो मेरे हिसाब से वो लोग फिल्में देखने जाएंगे ही नहीं। और जो पुराने जो मेकर्स हैं, हैट्स ऑफ टू देम, वो एक क्लासिक्स बन गई हैं, वो हिस्ट्री बन गई हैं, वो आज के लोग नहीं कर पाएंगे। टुडेज टीनेजर्स हैं, उन लोगों की एक अलग जनरेशन है। आज उनके जो फिल्म मेकिंग से मेरे हिसाब से 3 decades का फर्क पड़ गया आज, 30 years ऑफ लाइफ। तो यहाँ इंडिया में नहीं, अमेरिका में भी आप देख लीजिए, उनके वेस्ट साइड स्टोरी और गॉन विद द विंड, उनकी भी जो क्लासिक्स बनी फिल्में, अच्छे मेकर्स थे एक से जी, आज उन लोगों का भी काफ़ी ट्रेंड चेंज हुआ हुआ है, डिफरेंट है एकदम। आपके है मिशन की तरह गुरुदत्त जी भी इसी तरह की फिल्में जिसमें एकदम बर्निंग प्रॉब्लम्स जी जी, बहुत बड़े मेकर थे, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उनका। उनकी फिल्मों का कोई गीत जो आपका पसंदीदा हो, जो हमारे श्रोताओं को सुनवाए? पैसा फिल्म का ये गाना सुनिए। ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन, समाजों की दुनिया, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन, समाजों की दुनिया,
ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है। दीपक साहब, आपके पसंदीदा निर्देशक कौन से रहे? बहुत सारे हैं साहब, बहुत सारे। महबूब खान जी, गुरुदत्त, वी शांताराम, बी आर चोपड़ा, रामानंद सागर, जय ओम प्रकाश, मोहन कुमार, बहुत सारे हैं जी। उस टाइम के शक्ति सामंता। एक आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाता हूँ कि सैलाब की शूटिंग चल रही थी जी, गाना पिक्चराइज हो रहा था माधुरी दीक्षित पर, मैं उस फिल्म का डायरेक्टर हूँ जी। तो जब हमें वो गाना पिक्चराइज करना था, हमको है आजकल इंतज़ार कोई आएगा लेके प्यार, तो जब मैं स्टूडियो में गया तो सुबह का टाइम था, तो कैमरामैन को मैंने बोला क्रेन कहाँ है, क्रेन होती जिस पे कैमरा वैमरा रखा जाता है, तो वो एक उसने दिखाया मुझे, ये साहब क्रेन है जी। तो मैंने कहा ये तो मैं देख रहा हूँ, मैंने तुम्हें कहा था कि ट्रॉली के ऊपर क्रेन रखो जो स्पीड में चल के जाए, कुछ शॉट्स ऐसे थे जी। उसकी कोरियोग्राफर सरोज खान थी जी। तो वो इतने में आदमी आया, बोला साहब वो क्रेन जो आप बोल रहे थे वो मिल नहीं रही थी, तो ये क्रेन इस्तेमाल कर लीजिए। तो मैं कहा नहीं चाहिए यार क्रेन, फिर मैं कल मंगाना क्रेन। तो इतने में क्रेन वाला आया, एक बुड्ढा सा आदमी, और कहता है कि ये वही क्रेन है जो गुरुदत्त साहब यूज़ किया करते थे, क्योंकि मैं गुरुदत्त साहब का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। मैं कहा चलो ये क्रेन इस्तेमाल की जाएगी। हर शॉट के अंदर क्रेन इस्तेमाल किया जी, और वो इतना स्मूथ ऑपरेशन था, मतलब जो टेक्निकल शॉट्स हम लोग लेते थे शूटिंग के दौरान, वो गाना हुआ। मैंने उस जो बूढ़ा सा आदमी था उसको ब्रेक में, लंच ब्रेक के टाइम पे पूछा कि कौन सी फिल्में इस क्रेन पे इस्तेमाल की गई, तो प्यासा, CID, बहुत सी फिल्मों को उन्होंने नाम ली। सब वो गाना पिक्चराइज हुआ और हमको है आजकल इंतज़ार बहुत बड़ा हिट हुआ, यहाँ तक कि उस गाने को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मुझे ऐसा लगता है कि वो माधुरी दीक्षित का लाइफ का बेस्ट गाना रहा है।
दीपक जी, आप फुर्सत के क्षणों में क्या करना पसंद करते हैं? मेरा मतलब आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मैं अपनी वाइफ के साथ रोज बीच पे वॉक के लिए जाता हूँ, बहुत दूर। दोनों जिम जाते हैं। ऐसे मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक है। फिल्में बहुत कम देखता हूँ क्योंकि फिल्म बनाता हूँ। और ऐसे मुझे लोगों से ऑब्जर्वेशन का मुझे बड़ा मतलब, जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ जी, तो यहाँ से जब जाऊँगा तो आपके बारे में सोचूंगा कि आप कैसे बैठे थे, क्या आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे। तो ये सब मेरे लिए कैरेक्टर्स हो जाता है, दैट्स माय हॉबी जी। जब मैं स्टूडेंट था फिल्म मेकिंग का, तो मैं जब बस में बैठा रहता था, कोई भाग के बस चढ़ता था तो मेरी नज़रों से आदमी पे टिक जाती थी कि आदमी कितनी सांसें ले रहा है, कितना बस के पीछे भागा होगा, उसका हाथ कौन सी पॉकेट में गया। ये सब मुझे बाद में एज अ डायरेक्टर में बहुत हेल्प रही सब चीज़ों की जी। तो ये ऑब्जर्वेशन इज माई हॉबी और वो कैरेक्टर इस्टेब्लिश होता है। तो ऑब्जर्वेशन ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। इसमें जैकी श्रॉफ का एक कैरेक्टर था हफ्ता बंद के अंदर, जो मेरी फिल्म सिल्वर जुबली ऑल इंडिया लेवल पर हुई थी जी। उसके अंदर उसका जो नाम था बजरंग तिवारी जी। अब बजरंग तिवारी बोले तो आप नॉर्थ का, यूपी का, ऐसा इलाहाबाद या इस टाइप का कैरेक्टर। तो उसने जो शर्ट पहनी थी वो चेक वाली थी, लाल रंग की, और क्योंकि बम्बई में रहा इसलिए जीन पैंट पहनी हल्की सी नीली रंग की, लेकिन चप्पल कोल्हापुरी थी जी। और गले में, घर में निकलने से पहले वो टीका, बजरंग का टीका लगाया करता था जी। और एक काले रंग का धागा था। अब इतने सिंपल कैरेक्टर, उसकी शर्ट की जो कीमत थी जैकी श्रॉफ ने पहनी थी वो 250 रुपए की थी जी। नहीं तो जो ड्रेस डिजाइनर उसकी शर्ट बनाते वो बेचारों का घाटा हुआ धंधे में जी, क्योंकि उनकी शर्ट जो वो कपड़े उनके आते उनके तो बड़े लंबे बिल होते हैं जी जी। लेकिन ये कैरेक्टर का ऐसा कुछ था कि जैकी ने जब वो शर्ट पहना और वो जब कपड़े पहन के कैरेक्टर में आया तो उसको इतना पसंद आया, दीपक यार 15-20 शर्टें सिलवा लो, इसी टाइप की इस फिल्म में पहनेंगे, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा है, और मैं अपने आप को एज अ बजरंग तिवारी महसूस कर रहा हूँ जी। तो ये सब ऑब्जर्वेशन और ये सब चक्कर है दीपक जी। क्योंकि आप जमीन से जुड़े डायरेक्टर हैं तो जाहिर है बातें बहुत हैं जी, आगे जी, भी होती रहेंगी, लेकिन अब हमारे श्रोताओं को आप अपनी पसंद का अगला गीत सुनाएं। मेरी फिल्म है जान तेरे नाम। तुम अपने घर को जाओगे, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, वो मिल नहीं पाएगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे पाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। मैं तेरा दीवाना, पीछे पीछे तेरे घर तक आऊंगा, तुझे अपना बनाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। किताबों में लगा
झूठा दिल मिल गई है मुझे मेरी मंजिल चेहरा है तुझे सांसों में बसाऊंगा तुम मुझसे जुदा हो जाओगी बोलो कैसे रह पाऊंगा अब आप अपने परिवार के बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं मसलन आपके पिताजी मेरे फादर जो हैं वो अपने ज़माने के हीरो रह चुके हैं और मेरी जो मदर हैं जिनका नाम है रेणुका बलराज वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं मेरे जो नाना और नानी दोनों को तामपत्र अवार्ड मिला डॉक्टर नाग होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बड़े डॉक्टर कई बार जेल में गए देश के लिए मेरे जो ताऊ हैं कुमारा स्वामी नंद उनका नाम है बेवार में उनके आज भी स्टैचूज और उनके म्यूजियम्स हैं वो कम्युनिस्ट के बहुत बड़े लीडर रहे हैं इस देश के लिए बहुत लड़े वो और इस देश के लिए उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने शादी भी नहीं की थी ही सैक्रिफाइस्ड हिज होल लाइफ और मेरे दो भाई हैं मेरे बच्चे हैं मेगा वरुण बॉबी जी और अनंत बलराज मेरा छोटा भाई है जो काफ़ी फिल्मों में काम करता है उसने हर टाइप के रोल किए एक दो फिल्मों में पहले हीरो भी आया वो सुगंध करके फिल्म आई थी और दो एक फिल्में थी फिर सुभाष घई की फिल्म राम लखन उसमें वो काफ़ी मेरी फिल्मों में भी रहता है आपका परिवार हमेशा देशभक्ति से जुड़ा रहा है तो हम चाहते हैं कि आप देशभक्ति से जुड़ा एक गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं रोजा का गाना मणि रत्नम की फिल्म भारत हमको जान से प्यारा है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है हमारा है हिंदुस्तानी नाम हमारा है सबसे प्यारा देश हमारा है जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम हिंदुस्तानी नाम हमारा है सबसे प्यारा देश हमारा है जी आप हमारे श्रोताओं को
फिल्मों के जरिए तो संदेश देते रहते हैं, लेकिन आज रेडियो के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि ये देश एक बेहतर दिशा में जा सके? मैं अपने दोस्तों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो देश है हमारा वो सबसे पहले है, हम लोग सबसे पहले इंडियंस हैं। जात भाव ये सब कुछ छोड़कर अपने देश के लिए हम सबको एक हक बनता है कुछ करना चाहिए। और हर एक इंसान को अगर उसकी इनकम ज़्यादा है उसको टैक्स भरना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। और दूसरा, किसी भी चीज़ में अपने आप को लगन, अपने आप को कम नहीं छोड़ना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी ख़राब होता है, लेकिन आदमी को मेहनत करना चाहिए और मेहनत 100% रंग लाती है। अब आप देखिए ना, मैं जब इस लाइन में आया था तो मुझे कभी ऐसा हुआ ही कि नहीं कि मैं किसी से कम हूँ। मैंने मेहनत बहुत की, लोगों ने मुझे डांटा भी, जो काम मुझे नहीं आया तो मैंने कहा कि साहब मुझे काम नहीं आता, मुझे सिखाइए कैसे करना है, क्या गलत है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है। आप लोगों काफ़ी टाइम लिया मैंने, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। Terima kasih.
सेल्यूलॉइड के सितारे। इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक दीपक बलराज विज से सूरज शुक्ला की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोगी थे अनंत पेवेकर, प्रस्तुति सहयोग दिया उषा मेहता ने, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। अब दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाएंगे किसी और सितारे से उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे।